बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है पिस्ता मलाई कुल्फ़ी, जो खाने में बहुत मज़ेदार और क्रीमी टेक्सचर होता है इसका। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 2 kg जो है मिल्क लिया था और इसको हम लो फ्लेम पे जो है आधे घंटे या 40 मिनट्स तक पकाएंगे और चमचा चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि ये नीचे से लगे नहीं, और हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। हमारे ये जो मैंने दूध इसको बॉईल करने को रखा था, इसको तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके हैं, काफ़ी ये गाढ़ा हो चुका है। अब चलिए हम दूसरी तरफ तैयारी कर लेते हैं, जो मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताती हूँ। एक बोल में हमने 1/2 कप जो है मिल्क डाला है और इसमें मैं 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालूँगी। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए और फिर हम ये बॉयल होते हुए दूध में हम ये मिक्स करेंगे। इसके साथ ही मैं 200 ml जो है इसमें क्रीम ऐड करूंगी। और मैंने ये खोया बनाया था, ये 200 ग्राम का मैं इसमें खोया डाल रही हूँ और इसको फिर मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। इसमें मैंने खोया भी ऐड कर दिया था। अब जो है इसमें मैं ग्रीन फूड कलर डालूंगी, क्योंकि हम पिस्ता आइसक्रीम बना रहे हैं। मैंने 4 ड्रॉप्स डाले हैं, मैं चेक करूंगी इसके कितना ग्रीन हुआ है। अभी मैं और डालूंगी इसमें। ये मैंने इसमें तकरीबन, ये लाइट कलर था तो 8 से 9 ड्रॉप्स मैंने ग्रीन कलर डाले, फूड कलर लिक्विड था। और मेरे पास ये पिस्ता एसेंस है, ये मैं 1 टीस्पून डालूंगी। ये जो मैंने पिस्ता एसेंस डाला है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दूध बहुत अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। अब वो जो हमने मिक्सचर बनाया था, वो सारी चीज़ों को डालने से पहले मैं जो है इसमें चीनी ऐड कर दूंगी, ये 3/4 कप। ताकि ये अच्छी तरह घुल जाए इसमें। और साथ ही साथ जो है, अब ये मैं इसमें ये जो मिक्सचर था ये आहिस्ता आहिस्ता ऐड करती जाऊंगी और चमचा मुस्तकिल चलाना है, ताकि इसमें गुठलियां ना बने। और हम पत्ते में थोड़े से इसमें पिस्ते ऐड कर देंगे। ये मैंने
ग्राइंड करके रखे थे पिस्ते, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डाले हैं। अब मैं चलाऊंगी इसे। चीनी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है और वो जो मैंने मिक्सचर बनाया था कॉर्नफ्लावर क्रीम और खोए का, वो भी अच्छी तरह सब चीज़ मिक्स हो चुकी हैं और ये जो है एकदम से गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। बस अब मैं इसको 5 मिनट्स बाद जो है इसको फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ठंडा होने के बाद इसको बॉक्स में हम 2 घंटे के लिए जमने को रख देंगे। फिर मैं चेक करूंगी, फिर उसके बाद ओवरनाइट हम इसको जमाने के लिए रख देंगे। ये देखें हमारे 15 मिनट के करीब मैंने इसे पकाया था चीनी डालकर सारी चीज़ें। ये देखें हमारे इस तरह ये अच्छी तरह थिक हो चुकी है, इसमें बिल्कुल टेक्सचर जो है वो क्रीमी सा आ गया है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, फिर बॉक्स में भरूंगी। ये देखें हमारे जो है ये मिक्सचर जो भी हमने बनाया था ये बहुत अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे कंटेनर में जमने के लिए रख दूंगी। ये हमारा जो है मैंने इसमें कंटेनर में जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए जमने के लिए रख दूंगी। जब ये हमारा जम जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका कैसा टेक्सचर हुआ है। देखिए मैंने फ्रीज़र से ये इसको निकाल ली, ओवरनाइट मैंने इसको रखी थी फ्रीज़ करने के लिए। अब मैं इसको देखिए निकाल रही हूँ। इसके ऊपर मैंने पिस्ते थोड़े से छिड़क दिए। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरी नई हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।